नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 17 आपके चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 18वां चैप्टर है। 18वां चैप्टर है आपका अपशिष्ट जल की कहानी। याद रखिए, ये चैप्टर आपका लास्ट है विज्ञान का, कक्षा 7वीं की विज्ञान का। ये चैप्टर लास्ट है, इसमें 18 चैप्टर थे आपके विज्ञान में। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारे कक्षा 6वीं की और कक्षा 7वीं की, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, सिविल सर्विस या फिर स्टेट BCS के लिए जो भी आपकी बुक्स जरूरी थी, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके। अगली क्लास से हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं की, ठीक है। कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं में जो भी हमारे लिए जरूरी बुक्स थी, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम इसके बाद कक्षा 8वीं में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि इन सभी बुक्स को आप लोग बड़े मन से धैर्य के साथ सुनिए या फिर पढ़िए, क्योंकि लास्ट में पहुंचते पहुंचते मुझे भी लगता है कि आपका 80 से 85% और कभी कभी 90% तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलता है जिसे आप समझ ना सकें। और जो भी निष्कर्ष होता है वो बता दिया जाता है लास्ट में, तो आपको डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं, बस बड़े धैर्य के साथ सुनना है ना। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल, जो कि सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह आपका अवशिष्ट अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उससे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है अपशिष्ट जल कहाँ जाता है, इसका क्या होता है? हमारे देश में तो स्वच्छ जल की कदर नहीं है, तो अपशिष्ट जल को कहाँ बचाएंगे लोग? बड़ा जागरूकता का अभाव है। किसी भी समस्या को तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता है खत्म, जब तक कि लोग जागरूक ना हो उसके प्रति। आगे बात करते हैं जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल की विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 18.1, वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं, खाना पकाना, नहाना, ठीक है, पीना, इस तरह के तो उपयोग है। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण आलावर ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यह आपका अंतरराष्ट्रीय दशक कहलाता है। जल जीवन के लिए वाहित मल क्या होता है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित
किए जाने वाले अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों से बहता है और सड़कों और छतों से बहकर आने वाले वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थ को ले जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपशिष्ट होते हैं। क्रियाकलाप 18.2। अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित जल मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों, पोषक तत्व और मृत जीव, रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। वाहित मल का फेंका, कूड़ा करकट, रसोई मलिन जल, दुर्गंध अपशिष्ट और व्यवसायिक अपशिष्ट। कार्बन अशुद्धियों में इनमें पाया जाता है मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियों में आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट, कुछ धातुएं होती हैं। पोषक तत्व में आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जीवाणु, हैजरा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः वीबीओ, कोलेरा, कोलरा, साल्मोनेला, पैराटाइटी आदि पाए जाते हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों की बात करें तो पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले आपके प्रोटोजुआ इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं जल शोधन, एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों अथवा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो उसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों की एक जाल दिखाई देगी जिससे सीवर, जिसे क्या कहते हैं, सीवर, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैन हॉल सामान्यतः 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर, जो दो या अधिक शिविरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होता है जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 18.3। अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित जल के पथ पर का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाएं। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैन होलों की संख्या मालूम करें। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द उनके जल में कौन से सजीव जीव पनरवे हैं उनकी सूची तैयार करें। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। आपको फिर से बता देता हूं कि इन्हें पढ़ना है, केवल कहीं प्रैक्टिकल करते मत बैठ जाना। मालूम चला कि 2 से 4 साल इसी में आपने गुजार दी, तब तक आपकी एक्सपायरी डेट निकल गई। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो आपके वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित करें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कार के किसी बड़े जार को 3 बटे 4 भाग तक पानी से भर दीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जन और स्याही अथवा किसी रंग की बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। मिश्रण को दो दिन तक धूप में रखा रहने। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित कर दें।
मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारे, वातित को रात भर जुड़ा रहने दें ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक बातन को हो सके। यदि आपको पास आपके पास वातित नहीं है तो यांत्रिक बिलोटक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार बिलोडिंग करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन विक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परखनली में दूसरा नमूना डालिए। इसे वातन के बाद नमूना दो के रूम में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंकुआकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए, फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आप कक्षा छठवीं में पढ़ा। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परती बिछाएं। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर या किया हुआ द्रव स्वच्छ नहीं हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए। उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूम में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक कि जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनिकित नमूना 4 के रूम में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इसे चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या वातन से द्रव का गंध बदल जाती है? वालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक आरुचिकर होती है? अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक विक्रम सम्मिलित होते हैं। जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखों यानी कि छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। इस तरह से दूसरी क्रिया होती है आपकी, अब बाह्य अपशिष्ट जल को ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रेट, कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। इस तरह से तीसरा प्रक्रिया है, फिर जल को एक ऐसे बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंजक यानी कि सलज होता है। आपंख। अवशिष्ट जल में तैरने वाले तेल, ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अब स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आप पंख को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस विक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका चरण 4। चौथा, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अभी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। इस तरह
कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में संकीर्ण आपंख के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीश भाग से जल का को निकाल दिया जाता है। संकीर्ण आपंख लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीन द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंख का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होती है। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक विक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देती है। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रासायनिक रसायनों से रोगाणुओं से रहित कर लेना आवश्यक होता है। क्या आप जानते हैं कि यह सुझाव दिया गया कि हमें बाह्य मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं। वो वायुमंडल में शुद्ध शुद्ध जलवाष्प का को निर्मुक्त कर देते हैं। बात करते हैं जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम पर्याप्त कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। खुली नालियों द्वारा का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर और रोग कारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोग बाहर मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषय परिस्थितियों के बारे में आगाह करें, उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वह जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोतों पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस प्रकार इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहा नहीं बहाना चाहिए। ये पाइप में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पैरेंट विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाएं। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौना, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का विक्रम बाधित होता है। अब बात करते हैं स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधा से वंचित है। ऐसे व्यक्ति जल मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में भी मल त्याग करते हैं। याद रखिए, 2019 से पहले, जब से आपके नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था, तब से ठीक है, 2019 के पहले बहुत बुरी स्थिति थी। 2014 के पहले, 2019 तक बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया, और जो आपकी शौचालय का निर्माण योजना आई हुई थी
उसने भी बहुत कंट्रोल कर लिया, फिर भी अभी वही लोग जो दिमाग से या फिर उनकी कोई मजबूरी कह लीजिए जो भी कहिए, वही लोग इस तरह से बाहर जाते हैं। ठीक है, वरना सबके यहाँ लगभग या कि शौचालय निर्माण हो चुका है। मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है, इससे जल और मृदा का प्रदूषक हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौमजल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें आपका हेजरा, टाइफाइड, पोलियो, मैनी मैनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित होते हैं। बाह्य मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान बाह्य मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण आपका सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग-अलग भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अब मार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं, इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी सख्ती से लागू नहीं किया गया जाता है। तथापि यह सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर से ले आना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। निष्कर्षता हम लोग कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी हो। जल स्रोतों को स्वस्थ और अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने और के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। याद रखिए, क्या याद रखना है, अगर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का रहस्य है तो वो इतना है कि इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया है, नीचे के तबके से लेकर ऊपर के तबके तक के सभी लोगों ने इसमें सहायता की है। और तभी आज हमारा देश स्वच्छता से मुक्त, स्वच्छता रहित हो गया है। याद रखिए, कुछ भी कहिए, मानिए या ना मानिए, 2014 से पहले बुरी स्थिति थी, ये इस बात को आप लोग नकार नहीं सकते। हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से आए उन्होंने जनता के मन में बड़े अच्छे से पैठ बनाई और सबको साथ लेकर इसकी तरफ बढ़े। और इतना वो भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि सरकारें कोई भी आए कितनी भी कुछ भी काम करे, लेकिन अगर जनता सहयोग नहीं करेगी कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, फिर कोई योजना का लागू हो। अब देखिए, स्वच्छ भारत में आप लोग, ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा हमारे, और उन्होंने किस तरह से लागू किया, किस तरह जनता को अपने आप से जोड़ा, देखिए 2019 तक क्लीन हो गया। ठीक, तो कोई भी काम हो अगर जागरूकता फैल जाती है तो उस काम को करना बहुत आसान होता है। बात करते हैं कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया
जिसमें मानव मल को कैंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि किंकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा के लिए अति समृद्ध होते हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम छेड़ी थी, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना, मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान करना। महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह के वक्तव्य डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी रहते हैं। इसमें क्या देखा है, इस अध्याय में हम लोगों ने अपशिष्ट जल के बारे में जाना है, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, आपंक के बारे में, सीवर, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। और इन्हीं शब्दों के आसपास हमें देखकर इनकी परिभाषा समझकर निकल जाना, ठीक है। आपने क्या सीखा आज? उपयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानक क्रियाकलापों में उपयोग किया जा किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषक का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस हैं। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उपचार उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए। हम लागत कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव। कुछ भी कहिए, सबसे मोदी का जी का हर काम मुझे लगभग लगभग उन्होंने देश के हित में ही किया है, ठीक है। देखो, हर किसी में कमी होती है तो वो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा काम लगा है उनका, शौचालय निर्माण का और स्वच्छता का। तो इसमें हम लोग अभ्यास के लिए आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, ठीक है, और रख लें अपने पास, कभी भी उसे पढ़ते रहिए जब टाइम मिले। एक प्राचीन अभियांत्रिकी उपलब्धि, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, आपको पता ही होगा। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यही विकसित हुआ है। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था। व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। कितना? 4500 वर्ष पुराना है, ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बताए, हम लोग कहने के लिए 21वीं सदी में टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की इंसानियत मानवता है वो बिल्कुल खत्म होते जा रही है। अब देखिए, स्वच्छता इस तरह के जो भी आपके मैटर होते थे प्रकृति के पक्ष में, जो भी आप लोग निर्णय लेते थे, आपसे 4500 साल पहले बेहतर करते थे। अब 4500 साल पहले शौचालय का ध्यान रखा जाता था पूरा। देखिए, आज हमें जबरदस्ती सरकार को जबरदस्ती ढकेल कर आगे लठ लेकर चलना पड़ रहा है, तभी आप लोग काम कर रहे हैं। कहने के लिए हम समझदार हुए हैं, लेकिन बहुत नीचे गिर गए हैं। तो आज तक हम लोग कक्षा छठवीं की आपकी पौरी एनसीईआरटी देख चुके हैं,
जो हमारे लिए जरूरी थी। कक्षा 7वीं की भी देख चुके हैं, आगे से क्लास से हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं की, ठीक है। कक्षा 6वीं की मैं आपको बता दें तो हम लोगों ने 4 बुक्स देखी थी कक्षा 6वीं की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, हमारा अतीत भाग 1, पृथ्वी हमारा आवास और विज्ञान। कक्षा 7 में हमने 4 बुक्स देखी हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, हमारा अतीत सेकंड, और हमारा पर्यावरण और विज्ञान के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग कक्षा 8वीं की देखेंगे।